मुद्दा राजू राय का एकदम ओटीआर है, पहले आप बताए ओटीआर है। अब भैया क्या खोल के तुके दिखाई, आधार कार्ड दिखाई, ओटीआर है ना। अरे क्या लगा था भैया, क्या माहौल है राजू राय में, क्या दिखता है राजू राय? राजू राय यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, मरीज मर रहे थे, ऑक्सीजन लिया के कौन देने वाला, अरविंद राजभर तो इसी में सोए हुए थे बनारस में किसी घर में। यहाँ पे राजू राय ही कर रहे थे, विदेश से बच्चों को मंगाना था तो वही मंगाए थे, वो कहाँ थे? अरविंद राजभर कह रहे 2005 से हम जनता की सेवा कर रहे हैं मऊ में। अरे भैया हम तो 5 महीना पहले उनको देखे हैं, हमें तो मालूम है कि ओम प्रकाश राजभर के कोई औलाद है, हमको थोड़ी ना मालूम था। अगर उनको इतना ही सांसद बनने का मन है तो न्याय जनता का तनिक काम करें तब होगा, ऐसे ही थोड़ी ना सांसद आप बन जाएंगे उसके बाद जाके सदन में बैठ के ऐसे ठोकिएगा मोदी जी के पीछे, ऐसे ही थोड़ी ना कोई सांसद बन जाता है। राजू राय यहाँ पे 2014 का वो चुनाव पहले हारे हैं, उसके बाद जनता का सेवा करे हैं तब उनको हम लोग सदन में, उनको तो कहा जाता है कि वो आते हैं फ्लाइट से और फिर बंगलोर चले जाते हैं। तनी चल जा भैया, बगलिए में उनका घर हवे, वो कह रहे थे कि साल में 350 होता है, चाय पिए का मन हवे ना तो चल जा, तो भैया फ्री में चाय मिली। आप जाते हैं? आप जाते हैं? हम बिल्कुल गए उनके घर, हमको कोई काम पड़ा हम गए, हमारे मोहल्ले में एक लोग का मामला पड़ा था अभी जल्दी ऑक्सीजन वाला, तो वही भेजवाए थे। राजू राय 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं ये भी आप जान लीजिए, समझे, 4 तारीख को इतना ही टाइम मुलाकात कर, 2.5 लाख से चुनाव जीत रहे हैं अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं। हमके तो लगा था कि अरे ओम प्रकाश राजभर से पहले पूछा तो, ओम प्रकाश राजभर से पहले पूछा कि तू हवा कौन पार्टी में, कब मोदी जी की गाली दे वाला, कब अखिलेश से, कब राहुल में, पहले पूछा कि हमें कहा हो, अरे समय बीजेपी के साथ है, हमें कब कब वो गिनवा ला, एक साथ में पूरा 75 जिला गिनवा देवे ला कि हरिये ही हरिये, पहले पूछा वो हमें क्या कर सकते है, कब वो जहाँ फायदा नजर आए, जहाँ पैसा मिले ना उनके ना, गांधी जी जहाँ रहे ना वो दे चल जाए ना अपन गाड़ी का हुटर बजाते हुए है, तब आऊ नहीं तो कहा हमारे सामने लिया बोला बोला कहा कर दिया, पूर्वांचल का सब सीट जिताने का दम रखते हैं, पूर्वांचल का क्या सीट, अगर राज ओम प्रकाश राजभर में इतनी औकात है तो अकेले दम पे चुनाव लड़के देख लें, वो अपनी सीट नहीं जीता पाएंगे जनाब, जमानत जब्त कर लेंगे, क्या बात आप कर रहे हैं, कभी आप ले रहे मंत्री है, मंत्री है हल्का में ले रहे हैं, हम लोग जनता है, हम ही लोग भेजते हैं, आप लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जनता, जनता की क्या आप लोग आवाज देखिएगा, अगर जनता को यहाँ पे खड़े हो जाए तो डीएमएसपी का अपना शुरू कर देता है अपनी नौकरी बचाने के लिए, क्या बात है, घर जाते हैं जाते है, तो सभी लोग कांप जाते हैं, देख लो पश्चिमी में कहा रहा ना कि हमारा जो जाएगा पीला गमछा लगा के ओम प्रकाश राजभर नजर रहेगा, कुत्ता के तरह पहले जेल में मरवाया, मोबाइल रखवाया, गमछा रखवाया बड़ी इज्जत से कोतवाल, और जेलों में बड़ी मार मरवाया उसको, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का फोन नहीं लग रहा था, अपना स्विच ऑफ करके सोना पे करके सूट देना। राजू राय ये सब खबर कहाँ से आप लोग निकालते हैं? हम लोग तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिसका चाहे सरकार बनाएंगे, जनता की आप क्या आवाज अभी जानते हैं? और भी लोगों से हम बातें कर ले, गजब का आपने बोला और गजब का आपने मुद्दे को रखा, ये बताइए महंगाई वंगाई का कुछ असर है? महंगाई, अरे महंगाई तो हमको लगा था 5 रुपया लीटर पेट्रोल मिलता और 5 रुपया लीटर डीजल हमें ना, कैलेंडरवा तो रेखा भैया देख ला रहे भैया, कैलेंडरवा तो हमको लगा था कि 200 कांग्रेस के जमाने में इतना महंगाई रहा की हम कहा बताए भैया, तबाह नहीं तो सस्ता हो गया है, सस्ता हमके तो लगा था की आठ आने का चाय मिलता है, हमके तो लगा था 300 गुरु बनने जा रहा है, देश आप मजाक उड़ा रहे हैं, गुरु बनने जा रहे हैं, पहले 300 में डंका बज रहा है मोदी जी का और आप मजाक उड़ाने को लगे, आई नेपाल का तनिकन गूगलों पे तर्ज मार के देख ला, नेपाल जमीन कब्जा कर रही है और ये चिल्ला रहे पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे यार पाकिस्तान तो साला इतना बड़ा है कि अगर यूपी की जनता दौड़ जाएगी ना तो पाकिस्तान वाले ना धरती पर चीर के नीचवा चले जाएंगे, यूपी वाले खाली दौड़ जाएंगे, तो क्या खाली पाकिस्तान अरे यार क्या पाकिस्तान में खुद ही साला पाकिस्तान वाले मर रहे हैं, नेपाल की जमीन कब्जा करा जा रहा है, नेपाल वाले उनका क्या, नेपाल वाले की औकात है बिना पासपोर्ट का, भाई साहब आप पाकिस्तान